जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमेशा ही गरीब लोगों को इस्तेमाल किया गया है। कभी भी वो चुनाव के बाद 5 साल वो अपना जनता पार्टी में श्री सतपाल जैन जी के अगुवाई में हमारे साथ में आप सभी लोग शामिल हुए हैं और आप लोगों ने भी ज्वाइनिंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वाइन की थी। वहां पर मैं इसमें हमें भारतीय जनता पार्टी में लाने का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल 2 बजे ये कार्यक्रम होगा, तो दोनों नेता इसको संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र टोडर और सज्जन कुमार को मैं जाके आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपने देखा होगा कितनी भारी तादाद में इनके समर्थक इनके साथ आए हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इन्होंने पूर्ण समर्थन भाजपा को अब देने का और भाजपा के लिए काम करने का निर्णय किया है। ये इस बात का सबूत है कि इस समय चंडीगढ़ की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की नीतियों से परेशान है। इनका पार्टी में स्वागत है और हम लोग मिलकर अब आगे इस चुनाव में ये लोग सब मिलकर काम करेंगे। 2-3 दिन पहले CBI ने श्री जगदीश टाइटलर, जिन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, उनको जो क्लीन चिट दी है उससे सारे देश में रोष व्याप्त है। ये केवल उन लोगों का अपमान नहीं है जिन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों में अपने बेटों की, भाइयों की, पति की, पत्नी की जान गंवाई थी, बल्कि ये उन सभी लोगों का अपमान है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, जो कानून के राज में विश्वास रखते हैं।